So hello and welcome back to the channel, and today we are going to learn about the basics of Adobe Premiere Pro 2019 CC. So let's get started. So we'll first start the software. So basically software open होने के बाद आपको एक विंडो दिखेंगी. Hello again, have a great day. So basically ये मेरे पुराने जितने भी edits है वो है, and we will start with the new project. And I will not change this dialog box. I will just click OK here. So software open होने के बाद आपको ये चार विंडो दिखेगी, 1, 2, 3 and 4. So बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे है इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट. तो आई विल सिलेक्ट दिस क्लिप. I will take 5 clips and I will import it in this window. तो इसको import करने के बाद यहाँ पे आपको new bin का एक tab दिखता है, उस पर click करना है आपको and उसको नाम देना है और जितनी भी files है उस folder में आपको डाल देना है. So now we will take our first clip and drag it on the timeline. तो फर्स्ट क्लिप मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है. सो आई विल डिलीट दिस ऑडियो बिकॉज आई डोंट नीड दिस ऑडियो. वी आर गोइंग टू यूज म्यूजिक फॉर इट. सो जस्ट अनलिंक इट. अनलिंक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड सिंपली यू हैव टू प्रेस डिलीट. आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्लिप में का वो पार्ट मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ. So we will take from this. तो यहाँ पे यहाँ से मुझे क्लिप की शुरुआत करनी है. तो that the razor tool is there. तो उसका ही शॉर्टकट है C. C enter अगर आपने किया तो आपकी razor command एक्टिवेट हो जाएंगी. वापस से V command देनी है आपको and V command देके डिलीट करना है. तो मुझे एक क्लिप इतनी लेनी है तो इतना लेके मैं वापस से डिलीट करूँगा रेजर कमांड देके. अभी इस क्लिप की मुझे स्पीड स्लो करनी है बिकॉज ये मैंने 60 फ्रेम्स पर सेकंड में शूट किया था. तो इसकी स्पीड हम कम करेंगे पहले. तो राइट क्लिक करके आपको स्पीड में जाना है एंड यहाँ पे जो स्पीड दिख रही है इसको 50 कर देना है. सो आई विल टेक इट फ्रॉम हियर. आई विल अगेन कट इट. Then I will take the second clip. Again, I will delete this sound. I will take this clip from this point. So we can trim this. यहाँ तक क्यों मुझे लेनी है? तो रेस पार्ट डिलीट कर देंगे हम. इन दोनों में की जो स्पेस है इसको वापस से अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो यू हैव टू जस्ट क्लिक दिस एंड ड्रैग इट टुवर्ड्स द फर्स्ट क्लिप. और एक अल्टरनेट ऑप्शन इसका ऐसा है कि आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो एंड यू जस्ट प्रेस डिलीट बटन तो वो ज्वाइन हो जाएंगे. देन वी विल टेक द थर्ड क्लिप. यहां तक के क्लिप देने वाला हूं. अर्लियर जो क्लिप थी उसकी स्पीड आपको 50 कर देना है. स्पीड कम करने के बाद आपको जो सिनेमैटिक वाला फील है वो फील आएगा. एंड जो अभी जो क्लिप लिए हमने उसकी भी स्पीड कम कर देना है. यहाँ पे अभी इस क्लिप को अपने को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है. सो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे वी कैन इंक्रीज द स्पीड फ्रॉम दिस पॉइंट.
increase the speed by 1000%. Then we will again increase the speed till here. Just press delete. I'll take this clip from this point. So I will delete this part. I will unlink the sound. Just slow down this video by 50%, and it will look like this. And this is our last clip. Just unlink the audio. Just I want to take this much part. I will start this clip from this point, so I will delete this. Again select this part, delete this. यहाँ पे वापस से स्पीड बढ़ाएंगे up to this point. यहाँ पे ये जो पैनल है, यहाँ पे आने के बाद इफेक्ट पे क्लिक करना है आपको. इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो ट्रांजिशंस दिखेंगे, उसमें आपको डिजोल्व वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे जाना है. एंड डिजोल्व के कुछ फीचर्स है यहाँ पे, तो वो आप यूज़ करके देख सकते हो. तो क्रॉस डिजोल्व लेके देखते हैं. यहाँ पे सिंपली आपको उसको ड्रैग करना है एंड इस क्लिप के पास आके छोड़ देना है. It will look like this. Then again we will take the another dip to black. यहाँ पे एक और film dissolve. At this point we will take additive dissolve. After that we have to name this. जो भी आपका वीडियो है उसको आपको नाम देना पड़ेगा. तो we'll click on this T type tool and we'll just click here and I will type something. So if I click here I will get this window. I can change the font from here. We'll just make the Manali bold, and जो teaser वाला part है उसकी font size कम कर देते हैं थोड़ी. Position center में ला लेते हैं इसको. Yes, it's much better now. जो लेटर्स है अपने इसमें की स्पेसिंग्स बढ़ा देते हैं अभी. ओके, दिस इज लुकिंग गुड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टू ऐड द म्यूजिक. सो वी विल ऐड दिस म्यूजिक हियर. We'll trim down this part and we'll join this, and also at the end first we will cut this music from here. At this point you just have to press the control key and we'll add a key point here and here, and then we will drop
this point towards down. So in this way we can scale down our music at this point. सुनने में अच्छा लगेगा वो म्यूजिक, जैसे वीडियो खत्म होगा वैसे वैसे म्यूजिक भी स्लो होते जाता है यहाँ पे. सो वी प्ले दिस. सो यस दैट्स इट. आपकी जो बेसिक आइडियाज़ हैं वो यहाँ से क्लियर हो सकते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू एक्सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट. सो वी विल क्लिक ऑन फाइल, एक्सपोर्ट मीडिया, एंड देन वी हैव टू चूज दिस फॉर्मेट H.264 फ्रॉम हियर. सो इट इज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड. You can change the name of this file, and last use maximum render quality. Yahan pe will get estimated file size, that is 31 MB, and just hit that export button. It will take some time. In this way your video is finished and you can check it here. Thank you for watching guys. If you like my video, please subscribe to my channel. Don't forget to hit that bell icon. If you want more tutorial like this, so you can comment down below. So I will make such kind of videos for you guys. And my channels pe vlogs bhi aate hain, so you can see that also. That's it from the today's video. I will see you next time with another video. Till then, peace out.